विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में बिहार की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर देरी का आरोप लगाती नजर आ रही है, तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन सभी बातों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आएगा तो सभी कुछ ठीक कर दिया जाएगा, सब इंटरनल बात है, जब जरूरत पड़ेगी तो पत्रकारों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो लगातार जो है हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। इससे पहले भी लगभग 1,20,000 लोगों को, शिक्षकों को हम लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र वितरण किया, शिक्षकों की बहाली की। इसके बाद भी आप देखिएगा जो लोग कहा करते थे कि निर्दलीय शिक्षकों का जो है भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, तो महागठबंधन की सरकार ने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उन सभी लोगों को राजकीय दर्जा का दिया है। और तो ये तो काम तो लगातार हो रहा, और इस बार फिर जो है लाखों से ऊपर जो है संख्या जो है लोगों की गई है, तो कल एक बड़ा कार्यक्रम है जिसको हम लोग जो है करेंगे, और लगातार इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और बिहार जो है पहला ऐसा राज्य है, किसी को दिखे ना दिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों का ख्वाहिश है कि भाई जनता को इसका लाभ मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिले, बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर हो पाए, तो इस काम में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी जी, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बातें नहीं क्लियर हो पाई है, आप बात नहीं करने आए मेरे से? अरे आप बात कीजिएगा। कल एक ट्वीट मध्य प्रदेश के सीएम सर बिहार आ रहे हैं, मोहन यादव को अशोक चौधरी जी का एक ट्वीट आता है, इसमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरफ रहते हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है और 17 सीटों पर दावा कर रहे हैं, क्या इस तरह के बयान, जबकि आपस में बड़े नेता बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस तरह का बयान सही है? नहीं, सीट शेयरिंग का मसला जो भी होता है कोई भी दल पत्रकारों को तो नहीं बताती है ना, तो हम क्या हल बताएं, ये सब इंटरनल बात है। और पार्टी महागठबंधन जो है हम लोग सब लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे, सीट तो बंटवे ना करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं सर, यादव समाज को एक तरफ करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, कह रही है कि अब उनको यहाँ लाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। अरे भाई, देश में किसी का भी अधिकार है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, तो आने जाने में क्या दिक्कत है? राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे, न्योता मिला है क्या वहाँ से जल्द हो जाने की कुछ?